ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस, इतने महके इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। उज्जैन संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा लगातार अपना कार्यकाल छोड़कर जनता की सेवा के साथ साथ अचानक उज्जैन केंद्रीय जेल भैरवगढ़ पहुंचकर जेल में बंद बंदियों का हालचाल जाना। खास बात तो यह है कि संभागायुक्त आनंद शर्मा द्वारा ड्यूटी कर रहे बंदियों से भी खास चर्चा की और उनकी समस्या को सुनकर तत्काल निराकरण करने का निर्देश भी दिया। साथ में जेल सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर ने प्रत्येक वार्ड में ले जाकर संभागायुक्त को निरीक्षण करवाया और उनके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का जवाब भी संतुष्ट पूर्वक जेल सुप्रिंटेंडेंट अलका सोनकर द्वारा दिया गया। जेल की व्यवस्था को देखते हुए संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गई। निरीक्षण के समय उनके साथ जेल सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती अलका सोनकर, उप जेलर संतोष कुमार लड़िया, सलीम खान, सुरेश गोयल, सुश्री उज्ज्वला वाघमारे के साथ संपूर्ण जेल स्टाफ मौजूद था। पहुंचने के साथ साथ जेल प्रांगण के बाहर नियम के अनुसार पहले संभागायुक्त को सलामी दी, उसके बाद जेल में प्रवेश का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। सर, आज आकस्मिक निरीक्षण आपको जेल को लेकर किया गया है, किस प्रकार के निर्देश दिए गए और क्या पाया है? देखिए, जेल का आकस्मिक निरीक्षण जो है वो एक रेगुलर निरीक्षण है। एक्चुअली हमारा आकस्मिक तो नहीं है, ये हमारा एक पूरा शासकीय दायित्व के तहत जेल कैसा काम कर रही है, कैसी सिस्टम काम कर रहे हैं, इन सब को देखने के लिए निरीक्षण मैंने किया था। पहले हमारी टीम आ गई थी, उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन करके इंस्पेक्शन नोट बनाया था। उस इंस्पेक्शन नोट को कंफर्म करने के लिए और खुद बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएँ देखने के लिए मैंने आज निरीक्षण किया है, और दोनों तीनों प्रकार की चीज़ों में मैंने इसमें ध्यान दिया। सबसे पहली बात तो ये देखा गया कि कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना से मरीजों की रक्षा के लिए किस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। मैंने देखा कि जो बाहर से आने वाले मरीज़ हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष, उनको पहले अलग से रखा जाता है आइसोलेशन में, और दो बार उनको अलग अलग 14-14 दिन के लिए रखा जा रहा है। तो पूर्ण मुझे इत्मीनान है कि सुरक्षा ठीक की जा रही है कोरोना को लेकर के। बीच में शुरुआत में हमारे जेल में कुछ कोरोना का प्रकोप भी हुआ तो उसके मद्देनज़र ये व्यवस्थाएं अब ठीक हैं। दूसरा मेरा सोचना था कि वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है, तो मैंने इनकी जो कैदियों के द्वारा हैंडलूम से या अपने पावर लूम से या पेंटिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो रचनात्मक की जा रही उनका भी मैंने अध्ययन किया और उसके बारे में जानकारी हासिल की। देन की जो जेल की बाकी जो चीज़ें हैं कि किस तरह बंदियों को उनकी ज़रूरत की चीज़ों का, नहाने का कैसा प्रबंध है, खाने का कैसा प्रबंध है, कैसा भोजन किया दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों पर भी मैंने अपनी आज की विजिट में ध्यान दिया और कैदियों से भी बात मैंने एक आध जगह की। उनको खाना इत्यादि की व्यवस्थाएँ संतोषप्रद है कि नहीं, व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएँ यहाँ की अच्छी हैं, और इसको जो कि हमारे समाज का और शासन का भी उद्देश्य है कि आपने पढ़ा ही होगा कि अपराध से घृणा करना है, अपराधी से नहीं, जो यहाँ पे लोग आ गए हैं उनको समाज के किस प्रकार से प्रवृत्त किया जाए कामों के लिए, उसके लिए तरह तरह के प्रयास प्रशासन करता रहता है, इसी को और आगे बढ़ाना। मैंने अपनी तरफ से जेल अधीक्षक जो हमारी हैं अलका, काफ़ी मेहनती हैं, उनको मैंने ये कहा है कि जिस चीज़ में हमारी आवश्यकता हो मुझे बताएंगी, शासन से या और समाज के वर्गों से जो चीज़ हमको करनी होगी उसका हम सहयोग लेंगे। और एक अच्छी बात जो मुझे पता चली यहाँ पे, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए जो पीपी किट का निर्माण किया गया उसको कैदियों ने बिना शुल्क लिए निर्माण किया, तो ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा भी अपनी अधीक्षिका से कि क्यों, इनको तो पैसा देना चाहिए था, तो उन्होंने कहा नहीं, कैदियों ने अपने मन से कहा कि समाज में हम भी कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि समाज के हर वर्ग में समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति रहती है, शासन इन्हीं प्रवृत्तियों को पॉजिटिव रूप से उभार के और उनको अच्छा करने का प्रयत्न करता है।